स्टार्ट कर, मार सेल, मार मार सेल, छोड़ दे छोड़ दे। तो हाय दोस्त, ये जो गाड़ी है ये सुजुकी का गाड़ी है और ये ओरिजिनल ओल्ड मॉडल का है। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो गाड़ी है, गाड़ी रात में आया है भाई, टो करके लेके आया। तो गाड़ी जो गाड़ी चलते चलते गाड़ी बंद हो गया और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखेंगे गाड़ी में क्या हुआ है, गाड़ी में पास में ले गया। तो देखिए जितना मेरा बिल्डर वगैरह खोल दिया है, अभी इसको चेक करने वाला है। फास्ट में आपको चेक करना है, डैशबोर्ड में जाके देखेंगे कितना लाइट शो कर रहा है मीटर में। चल गया। तो देखिए जैसे कि हम गाड़ी के अंदर आ गया, देखिए इधर इंजन का जो लाइट है, जो इंजन का लाइट शाइनिंग है वो शो कर रहा है। और देखिए इधर बैटरी का जो है वो शो कर रहा है। एक बार ऑफ कर दो, इग्निशन लगा। देखिए इधर बैटरी का और इधर आपका जो ब्रेक का है वो चला गया है, और जो इंजन का लाइट है वो शो कर रहा है चेक लाइट। तो पुराना गाड़ी में ज़्यादा लाइट शो नहीं करता है, दो तीन लाइट शो करता है। तो पहले अभी सेल एक बार मारेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका आवाज़ कैसा आ रहा है। स्टार्ट कर, मार सेल, मार मार सेल, छोड़ दे छोड़ दे। तो देखिए जैसे कि गाड़ी का जो साउंड है, जो नॉइज आया था, जो साउंड है आपको साउंड डिबेट करना है। इस सेल मारने का टाइम में, स्टार्ट करने का टाइम में जो साउंड आता है, वो साउंड से आपको पता करना है, मालूम करना है साउंड से कौन सा प्रॉब्लम चीज़ है, क्या खराब हुआ है, उससे आपको साउंड से आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ये साउंड आ रहा है, एक तो ये साउंड जैसा आ रहा है कि स्पार्क प्लग में ये कार में नहीं जा रहा है, और दूसरा टाइमिंग, अगर आपका टाइमिंग जो बेल होता है वो भी अगर टूट जाएगा तो भी ऐसा साउंड आएगा, ऐसा नॉइज आएगा। एक तो टाइमिंग बेल टूटने से ऐसा नॉइज आता है, और एक तो स्पार्क प्लग में कारेंट अगर आपका नहीं उधर सप्लाई होगा तो भी ऐसा नॉइज आएगा। तो जैसे देखिए देखिए फास्ट में जो छोटा वाला स्टॉप होगा उससे शुरू करना है आपको। टाइमिंग जो इधर थोड़ा लेगा पास में, देखिए तो टाइमिंग बेल आपको चेक करने से टाइमिंग बेल पूरा खुलना नहीं पड़ेगा। टाइमिंग कवर ठीक ऊपर का जो दो बोल्ट होता है, बोल्ट खुलने से आपका ये कवर थोड़ा गैप कर करके स्टार्ट करके देखने से पता चल जाएगा टाइमिंग बेल टूटा हुआ है कि नहीं है। तो फास्ट में आपको छोटा स्टॉप में जाना है। तो फास्ट में हम आपको चेक करेंगे ये जो डीटी कॉयल है, ये जो इग्निशन कॉयल है, ये ओल्ड मॉडल का गाड़ी का ऐसा होता है। इसमें हम पहले चेक करेंगे इसमें पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले हमको वही चेक करना है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे। स्टार्ट कर, जैसे कि आप देखा हम इधर में चेक किया, इसमें कोई पावर ही नहीं आ रहा है, कोई करंट ही नहीं आ रहा है। अभी दूसरा में भी चेक करेंगे, देखेंगे इसमें भी करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेल मार, मार छोड़ दे, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं आ रहा है। जैसे कि देखिए हम चेक किया है, इग्निशन जो कॉयल है इसमें करंट ही नहीं आ रहा है। तो हमारा कन्फर्म हो गया अभी क्या चीज़ खराब हुआ है, किस लिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। और इग्निशन स्विच में अगर आपको लाइन आएगा तो आपका टाइमिंग बेल भी उसके बाद चेक करना है, कि टाइमिंग बेल हम चेक नहीं किया, सिर्फ हम फास्ट में जो चेक किया है इग्निशन कॉयल में, इसमें कारण ही नहीं आ रहा है, तो इसी का वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो कारण इसमें क्यों नहीं आ रहा है आपको चेक करना है। तो देखिए उसका बाद आपको सबसे पहले चेक करना है कारण क्यों नहीं आ रहा है, और इसका कारण सप्लाई किधर से है हम इसको। तो देखिए इसका हम फीस वगैरह जितना है, किसी का जितना फीस है हम चेक किया है, फीस एकदम सही है। इसका तो वायरिंग का फॉल्ट था, एक तो वायरिंग का, देखिए गाड़ी का अगर एक वायर टूटा हुआ होगा ना तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गाड़ी एक वायर टूटा हुआ था, उसी का वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये जो कैम है ना, ऊपर का कैम का जो सेंसर है, वो सेंसर का एक वायर सिर्फ टूटा हुआ था, गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं पास में लिखा है, देखिए ये जो ओल्ड मॉडल गाड़ी का कैम है, ये कैम है। और देखिए कैम का, देखिए ये जो वायर है, देखिए एक वायर टूटा हुआ था, अभी इसको हम सिला के थोड़ा स्टार्ट करके चेक किया है। देखिए ये जो कैम का वायर है ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, इसका वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा पास में देखा और जिक्र करें, वायर दिखाई दे रहा है ना, ये जो दोनों वायर, देखिए ये वायर टूटा हुआ था, इसी का वजह से इसमें पावर भी सप्लाई नहीं आ, इसमें करंट भी नहीं आया इग्निशन में, इसी का वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। तो देखिए अभी जिसका हम इस वायर को हम सेट करेंगे और देखिए गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देखिए जो वायर टूटा हुआ था वो हम ज्वाइन कर दिया है, अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑफ कर, स्टार्ट कर, फास्ट कर, और देखिए अभी गाड़ी स्टार्ट भी हो चुका है। देखिए इंजन का सेक लाइट आ रहा है, और उसको भी आदमी हटाएंगे, अभी इंजन का सेक लाइट को उसको भी रिमूव करेंगे।
आपका। तो रुक जाइए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, थोड़ा जानकारी देना है। तो देखिए फॉल क्या चीज का था, गाड़ी तो अभी स्टार्ट हो चुका है लेकिन फॉल भी जानना है ना, फॉल क्या चीज का था, गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हुआ और एक वायर टूटने से गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा था, वो भी तो जानना है। तो देखिए जो क्रैंकशाफ्ट सेंसर है वो तो सही तरीके से काम कर रहा है और जो कैमशाफ्ट सेंसर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो क्रैंकशाफ्ट सेंसर देखिए उसका तो काम क्या है आपको मालूम ही होगा। क्रैंकशाफ्ट सेंसर का काम होता है इंजन को आरपीएम को रोटेट करके सिंगल को एसीएम तक भेज देना है और इसका और उसको पिस्टन कौन सा लेवल में है कौन सा पोजीशन में है उसका सिंगल भी एसीएम को भेज देना होता है। ये होता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का काम होता है। और जो कैमशाफ्ट होता है कैमशाफ्ट सेंसर का काम क्या है वो भी हम आपको बोल रहे हैं। और कैमशाफ्ट सेंसर का काम क्या होता है आपका देखिए, कैमशाफ्ट सेंसर का काम है देखिए इंजन में जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग से देखिए आपका इंजन का जो पिस्टन है कौन सा पिस्टन किधर में है, डाउन में है कि टॉप में है, और पिस्टन का हिसाब से देखिए जो टाइमिंग होता है, टाइमिंग से जो वाल्व होता है ऊपर का जो कैम घूमता है, कैम से जो वाल्व होता है कौन सा वाल्व अभी ऊपर में है कौन सा वाल्व डाउन है कौन सा वाल्व खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए उसी का हिसाब से ऊपर का जो टाइमिंग होता है टाइमिंग से वो काम करता है और उसी का सिग्नल भेजता है एसीएम को कैमशाफ्ट सेंसर से। तो कैमशाफ्ट सेंसर का काम होता है कौन सा वाल्व अभी डाउन में है अभी ऊपर में है उसका सिंगल एसीएम को भेजना होता है। तो देखिए अगर कैमशाफ्ट सेंसर पर काम नहीं करेगा तो ये सिंगल एसीएम तक नहीं भेजेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। देखिए आपका कैमशाफ्ट सेंसर जब खराब होगा तो आप कौन सा इंजेक्टर में कितना तेल देना है कितना नहीं देना है अभी कौन सा पिस्टन ऊपर में है कौन सा वाल्व खोल रहा है ये एसीएम को नहीं पता चलेगा, गाड़ी का सेक इंजन लाइट भी आएगा। और कुछ कुछ गाड़ी में स्टार्ट भी हो जाता है लेकिन गाड़ी में मिस होगा, गाड़ी में लंबा सेल्फ लगेगा, गाड़ी स्टार्ट आशा से नहीं होगा, ऐसा भी प्रॉब्लम होगा। और देखिए कुछ कुछ जो गाड़ी है उसमें तो स्टार्ट भी नहीं होगा, एकदम स्टार्ट ही नहीं होगा, और कुछ कुछ गाड़ी है स्टार्ट भी होगा लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगा। देखिए ये जो गाड़ी है इसमें तो स्टार्ट ही नहीं होता है, ओल्ड मॉडल का गाड़ी है, अभी न्यू मॉडल का कोई की गाड़ी स्टार्ट होगा लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो जैसे कि देखिए ये गाड़ी सॉल्व कर दिए हम, गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और हमारा चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का वीडियो इतना है, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।